हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। तो फाइनली अपने गेम का न्यू अपडेट आ चुका है। अभी मजा आएगा ना। और न्यू अपडेट में हमारे गेम में GTA 5 मोड को ऐड कर दिया है और उसी के साथ आर्मी जीप को भी ऐड कर दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको आर्मी जीप का सीक्रेट चीट कोड और उसी के साथ आप GTA 5 मोड कैसे ले सकते हो बताने वाला हूँ। और इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। उसी के साथ आप अपने गेम में कैसे ले सकते हो बहुत सारे खतरनाक वाले मिशंस और उसी के साथ जू वाला एरिया। तो चलिए बिना देर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे गेम में जो GTA 5 मोड आने वाला है उस पर काम शुरू हो चुका है और कल ही न्यू अपडेट निकल कर आया है जो आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उसी के साथ इसमें आपको काम शुरू हो चुका है, आप देख ही सकते होंगे। और इतना हमारे सिटी के अंदर काम हो चुका है अपनी GTA 5 मोड के लिए। और उसी के साथ आज की वीडियो में मैं आपको अपने न्यू जू वाला एरिया जो बनाया है वह भी लेके जाने वाला हूँ। और उसी के साथ चलिए बिना देर किए उस लोकेशन पे चलते हैं। तो उससे पहले ये खतरनाक वाले मिशन देख लीजिए जो कि भाई कितने खतरनाक और ऑसम लग रहे हैं। तो इसको हम पार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन पार नहीं कर पाए तो भाई नहीं करेंगे। तो चलिए भाई इसको। और ये क्या भाई, अपनी बाइक तो यहीं पर ही अटक चुकी है, अब क्या करें। तो यार नीचे उतर के चढ़ने की कोशिश करते हैं, अभी चढ़ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा वरना। और ये आपको मिशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ये सारे मिशन वगैरह ले सकते हो। और उसी के साथ अब भाई नीचे गिर चुके हैं इसलिए हम मिशन कम्प्लीट नहीं करेंगे, अपने जू वाले एरिया के पास चलेंगे। और उससे पहले मैं आपको जो सामने ये मिशन दिख रहा है ये रैंप वाला, इसको भी दिखा देता हूँ। तो भाई अभी एक बाइक मंगा लेते हैं कोई ख़तरनाक वाली। तो 999 डायल करने से कौन सी बाइक आती है भाई, ये कौन सी आ चुकी है, इसको ही ले कर चलते हैं अपने उस लोकेशन पे। तो भाई ये वाले आपको बहुत सारे मिशन इसमें देखने को मिल सकते हैं जो कि खतरनाक और यूनिक भी लग रहे हैं। और उसी के साथ आपको मैं GTA 5 रिलेटेड यानी GTA 5 मोड के रिलेटेड कुछ खतरनाक वाला अपडेट देने वाला हूँ। और उसी के साथ जो अपने गेम में न्यू व्हीकल कौन सा ऐड होने वाला वो भी बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर को अपने चलते हैं अपने उस वाले लोकेशन पे यानी अपने जू वाले एरिया के पास में। तो जू वाला एरिया आपको देखने को मिल जाता है, आपको घर से निकल जाना है और पुलिस स्टेशन से इस तरफ मुड़ जाना है। तो चलिए बिना देर उस तरफ मुड़ जाते हैं। तो इस तरफ आपको जाते रहना है एयरपोर्ट वाले पास और अपने पुलिस स्टेशन से आगे। उसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि अब अपने गेम में पुलिस स्टेशन में जो NPCs है वो उसके अंदर जाते हैं, उसके साथ पुलिस वाले जो अपने कैरेक्टर्स है इसके अंदर उसको भी हटा दिया गया है। और उसी के साथ आपको कैदी भी यानी क्रिमिनल जो जेल में दिखने को मिलता था वो भी देखने को नहीं मिलता है। तो अब चलते हैं अपने जू वाले एरिए के पास में। शायद आपको ये अपडेट तो पता होगा कि पुलिस कैरेक्टर हटा दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ से आपको इस तरफ मुड़ जाना है और फिर आपको सामने इस तरफ चलते रहना है। बहुत थोड़ी देर बाद में ही आपको देखने को मिल जाएगा जू। तो आप देख सकते हो वो सामने ही है और जू देखने को मिल जाता है। और मैंने अभी फॉग मोड स्टार्ट किया है क्योंकि फॉग मोड में भाई अपनी सिटी बहुत खतरनाक लगती है। तो ये सामने देख सकते हो अपना जू आ चुका है और भाई ये कितना यूनिक और ऑसम लग रहा है। तो चलते चलते इसके जू के अंदर और ये फाइनली हम जू के अंदर आ चुके। और भाई ओ नो, कैसे भाई घूम के गिरे आपने देखा ही ना। और अभी आपको यहाँ पर देख सकते हो जैसे एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ट्री देखने को मिल जाते हैं, लगभग 100+ ट्री होंगे। और यहाँ से मैंने ड्रोन मोड स्टार्ट कर दिया और ड्रोन मोड से भाई ये जो कितना खतरनाक देखने को मिल सकता है, ये भाई यूनिक सा लग रहा है। भाई इसको बनाने में बहुत टाइम लगा होगा। और यहाँ पर आपको कुछ पेड़ वगैरह दिख जाते हैं और ये आपको इसके अंदर आप बहुत सारे एनिमल वगैरह रख सकते हो जो ये जाली टाइप आपको बने हुए मिल सकते हैं, पिंजरे जिसे बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंग्लिश में केज। तो इसके अंदर आप रख सकते हो और भाई ये कितने बहुत सारे बनाए इसके अंदर। और उसी के साथ जो ये वाला एरिया आप देखते हो इसके अंदर जो पब्लिक देखने आती है यानी पीपल्स, वो इसके अंदर रह सकते हैं और भाई यहाँ पर जो भी अपने चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। यहाँ यहाँ ढाबा टाइप तो नहीं है, पता नहीं ये क्या बना है, पर को भी ये बना है बहुत अच्छा है। उसी के साथ आपको इसके अंदर बहुत सारे ट्री देखने को मिल सकते हैं और ये भाई ऐसे हैं, ये लैंप प्रॉप से कुछ खतरनाक वाला बनाया है।
और उसी के साथ आपको इस तरफ भी ये झाड़ियाँ वगैरह देखने को मिल सकती है जो खतरनाक और रोशन सी लग रही है। और यहाँ पर ये गोल रिंग में कुछ बनाया है और वह इसको बनाने में बहुत टाइम लगा होगा, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और इसी के साथ आपको इसके अंदर बहुत सारे ये इस वाले प्रॉप से बने हुए फूल देखने को मिल सकते हैं, जो कि भाई कितने यूनिक से लग रहे हैं ये फ्लावर। और आपको ये नीचे से कुछ इस तरह देखने को मिल सकते हैं। और इसको लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हो। और वहाँ से आपको कॉपी करके अपने गेम में आने के बाद इंटरनेट वाले को ऑन करके पेस्ट कर देना है। और भाई ये कितना यूनिक और ख़तरनाक सा लग रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने न्यू अपडेट, जो कि मैंने आपको बोला था कि क्या आने वाला है। और भाई बाहर एंटर करते ही आपको ये जू वाला लिखा हुआ दिख जाता है, यानी बहुत ख़तरनाक और यूनिक सा लग रहा है। और अंदर तो आपको बहुत सारे केट ट्री वगैरह फ्लावर वगैरह देखने को मिल सकते हैं। और बाहर से इस तरह का लुक आपको देखने को मिल सकता है, जो कि भाई ख़तरनाक यूनिक ऑसम सा लग रहा है। और अब बात करते हैं अपने न्यू व्हीकल में, तो न्यू व्हीकल में शायद आपको एक न्यू कार देखने को मिल सकते हैं। तो कार का नाम तो पता नहीं, और GTA 5 मोड को आपको 7 days में यानी इस महीने के एंड तक आपको देखने को मिल सकता है, यानी आपको दीपावली के दिन स्पेशल में GTA 5 मोड देखने को मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लाइक सब्सक्राइब कर देना और बाय बाय।